मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूं। प्रभु, तू प्रातः काल मेरी पुकार सुनता है, मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूँ और प्रतीक्षा करता रहता हूँ। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन 28 अगस्त 2018 पहला पाठ, थेसलोनियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 2, पद संख्या 1-3, 14-17 तक। भाइयों, हमारे प्रभु ईसा मसीह के पुनरागमन और उनके सामने हम लोगों के एकत्र होने के विषय में हमारा एक निवेदन यह है। किसी भविष्यवाणी, वक्तव्य अथवा पत्र से जो मेरे कहे जाते हैं, आप लोग आसानी से या समझ कर ना उत्तेजित हो या घबराए कि प्रभु का दिन आ चुका है। कोई आप लोगों को किसी भी तरह ना बहकाए। उसने हमारी सुसमाचार द्वारा आपको बुलाया, जिससे आप हमारे प्रभु ईसा मसीह की महिमा के भागी बने। इसलिए भाइयों, आप धारस रखे और उस शिक्षा में दृढ़ बने रहे जो आपको हमसे मौखिक रूप से या पत्र द्वारा मिली है। हमारे प्रभु ईसा मसीह स्वयं तथा ईश्वर हमारा पिता, जिसने हमें इतना प्यार किया और हमें चिरस्थाई सांत्वना तथा उज्ज्वल आशा का वरदान दिया है, आप लोगों को सांत्वना देते रहे तथा हर प्रकार के भले काम और बात में सुदृढ़ बनाए रखे। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। संत मती के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार, अध्याय 23, पद संख्या 23-26 तक। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम पुदीने, सौंफ और जीरे का दशमांश देते हो, किंतु न्याय, दया और ईमानदारी, संहिता की मुख्य बातों को उपेक्षा करते हो। उन्हें करते रहना और उनकी भी उपेक्षा नहीं करना तुम्हारे लिए उचित था। अंधे नेताओं, तुम मच्छर छानते हो किंतु ऊंट निकल जाते हो। ढोंगी शास्त्रियों और फरीसियों, धिक्कार तुम लोगों को, तुम प्याले और थाली को बाहर से मांजते हो किंतु भीतर वे लूट और असंयम से भरे हुए हैं। अंधे फरीसी, पहले भीतर से प्याले को साफ कर लो, जिससे वह बाहर से भी साफ हो जाए। प्रभु का सुसमाचार, क्रिस्त की जय।